ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂ ਬਾਬਾ। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, हम सब भी खैरियत से। तो आज आपको दिखाते हैं कि गांव का नज़ारा इतना ही खूबसूरत। फसलें हैं यहाँ पे, ग्रीनरी ग्रीनरी है हमारे चारों तरफ, ग्रीनरी है। गंदम की फसल काश्त की हुई है, तो फरवरी का महीना है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है जी इधर। इंशाल्लाह मज़ीद अभी आपको दिखाते हैं इधर। यहाँ पे ये हमारा बाग है जी, छोटा सा इस किस्म का, इन बैठने के लिए जगह है, बड़ी प्रॉपर बैठने के लिए जगह है यहाँ पे बनाई गई है। कुआ है यहाँ पे, आपको दिखाते हैं, अभी सब्जियाँ भी लगाई हुई हैं हमने, बहुत ही मज़ेदार जगह है जी यहाँ पे। तो आपको इधर का विज़िट करवाते हैं जी, आ जाए। जी तो हम जा रहे हैं इधर अपने कुएं पे, और यहीं पे बाग भी छोटा सा, बैठने की जगह भी आपको बताया था ऑलरेडी के बनाई है हमने। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग जरा गणेश ने साफ कर रहे हैं बेहतरीन से। ये गन्ने लगाए मैंने सारे कमाद, और भी लाए मैंने, सही सही। मज़ेदार गन्ना जी, ताज़ा गन्ना, बहुत मज़ेदार। तो अभी आपको दिखाते हैं गुलाबों का, फूलों का यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है जी, एक खेत ज़बरदस्त फसल दे रहा है जी। लेकिन अभी बाहर का मौसम है तो इसलिए, सॉरी खजान का मौसम है तो इसलिए अभी यहाँ पे कम है, इसके पत्ते ही भी गिरे हुए हैं और गुलाब भी कम लगे हुए हैं। लेकिन अभी इन्हें बता रहे हैं कि एक साल हो गए ना फूल देते, तो बड़ी अच्छी फसल जा रही है इसकी। दिखाते हैं आपको भी, सारा गुलाब का जी लगा हुआ है खेत, बहुत ज़बरदस्ती, बहुत खूबसूरती। और ये गन्ना खा रहे हैं, तो गन्ना खा के फिर मज़ीद आपको दिखाते हैं आगे चल के और यहाँ पे व्यू, खूबसूरत जी पौधे हैं यहाँ पे। ये भी तरीकी से जी, जबरदस्त। अभी चलते हैं उसके पास, दिखाते हैं आपको। तो ये कार है लेके, मैं कह गन्ने ही है शायद इस पे रेडी पे, तो अभी दिखाते हैं आपको। मेरा ख्याल है ये हमारे खालू हैं शायद, उनका ही है। ये देखें जी बारिश के बाद सूरत हाल, बहुत ही मुश्किल रास्ते से जनाब, बेहतरीन। नहीं नहीं यार, लाहौर के कच्चे इलाके में चले वो भी ऐसे मिलेंगे आप। हाँ खूबसूरती ज़रूर है इनकी, खूबसूरती ज़रूर है जनाब। हाँ जी, ओ खैर पानी निकाल रहे हैं, मेहनत हो रही है जी खेत में, पानी निकाल रहे हैं जी। ज़्यादा पानी भी फसल को तबाह कर देती है, तो खेत से पानी निकाला जा रहा है। बिल्कुल जी ऐसे ही, बेशक जी बेशक। सही सही, क्यों खराब रास्ता? इस रास्ते से हम जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं यार। नहीं नहीं देख रही जा पहले तू। बंदा कौन है? और है गन्नी। सही सही, ये हमने जी वो रास्ता छोड़ दिया, अब हम यहाँ से जा रहे हैं उस साइड पे। ये सामने गन्ने हैं जी, गन्ने गन्ने। असल में बारिश हुई है तो हर जगह पानी ही पानी है, तो इसलिए सारे जो कच्चे रास्ते हैं वहाँ पानी इकट्ठा हो गया, तो इसलिए हमने ये रास्ते को तरजीह दी है कि यहाँ से लेकर। लेकिन अभी भी कुछ आसारात हमें नजर नहीं आ रहे कि हम पहुँच सकते हैं अपनी मंजिल। नहीं इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, कोई बात। आगे रास्ता है पहुंच गया।
बेशक ये हमारे ये पंजाबी भाई अपने कुछ अपने अल्फाज बयान करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं भैया? मैं कह रहा हूँ अगर इरादे इंसान के पक्का हो तो इंसान अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। बेशक खतरनाक हो माशाल्लाह भाई ने रास्ता ढूंढ लिया यहाँ से जाने का, अच्छा खासा रास्ता है यार, मेहनत की है यार, जुड़ना बोलो यार व्यूअर्स को। इसी दलदल में तो खुप के लगाते हैं किसान सारी फसल। कहते हैं पहुंचना होए मंजिला नू ते मुश्किल रावा दी परवाह नहीं करी दी नहीं करी यार। ये पानी कहां से यार आपको ये इसकी गहराई को अबूर करना होगा। ये देखे ऐसे करके आ सकते थे आप। ये रास्ता ये अच्छा है, यहाँ आप भी इस रास्ते को तरजीह दें। यल्ला खैर अब आगे रास्ता अब साफ है तकरीबन। ये रास्ता था वो जिसके शूज काले हैं, एक दफा पीछे से दिखाई ठीक ठाक। ये देखिए जी मडी ट्रैक है जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के आपको रैली भी होती है हर साल। अच्छा आज की नहीं, बहुत पुरानी जी, बहुत पुरानी कॉम्पिटिशन होते हैं रास्ते पर। कुछ जो बाइकर्स होते हैं कुछ इधर इधर इस पर गिर जाते हैं, कुछ इस पर गिर जाते हैं, कुछ एक दो ही आगे पहुंच जाते हैं और उनमें से भी जो विजेता हो जाता है जो आगे जाता है। दो किस्म की रैली होती है यहाँ पे, एक स्लो साइकिलिंग होती है और एक फास्ट साइकिलिंग होती है। सही सही, तो दोनों का मुकाबला होता है, बड़ा दिलचस्प किस्म का। नहीं नहीं मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग। 5000 पुरानी तारीख है ये। इस रास्ते को कभी अच्छा नहीं ठीक नहीं किया गया क्योंकि इसका यही है कि जितना ये खतरनाक होगा वक्त के साथ साथ उतनी इस पर जरा अच्छा टफ कॉम्पिटिशन होगा। बिल्कुल ऐसा, ये गन्ने का खेत है ये, लेकिन हमारे जो आगे लगे हुए हैं वहाँ पे चले गए, वहाँ से जाके तोड़ के खाएंगे। आप यहाँ से दूर से देख सकते हैं कि आगे एक इससे कच्चे पेय का जहाज उसे कहते हैं। ये मतलब इस रास्ते पर यही एक जो सवारियाँ मिलती है आपको, ये सवारी आज की नहीं, ये बहुत पुरानी है। और ये वाहि सवारी है जी, जो आगे से अलग ही खलक है और पीछे से इंसान ने बनाई है जी। ये जी बादशाह सलामत भी इसमें बैठ के जाते थे ना। हमारे गांव की तरफ आते थे तो इस किसानों की मुश्किल दिखाना चाह रहा हूँ जरा। जी जी आप देखेंगे इसमें पानी खड़ा है खेतों में और ये इसका वो बनाते हैं गन्ने का रस बनता है, इससे गुड़ बनता है, शक्कर बनती है, तो वो किसान नहीं बना पा रहे जिसकी वजह से काफी मुश्किल है। मेरी इमरान खान साहब से अपील है कि इस एरिया को प्रमोट किया जाए क्योंकि किसानों की मुश्किल जो उनसे वो हल हो। बिल्कुल जी बुलाते हैं, उन्हें बुलाते हैं जी। तैस नैस किया हुआ है वो गिदड़ों ने जी जी, गिदड़ एक छोटी सी लूंगी टाइप की और बेड़ा गर्क कर देते हैं, चले जाते हैं कमाल में और गन्नों के कमाल में तो उसे खा लेते हैं। सही सही, उनको इस तरह के रास्ते में कौन पकड़ सकता है। नहीं ये तो वो इस इलाके में मशहूर चोर कहलाए जाते हैं। आगे फिर एक दफा हमें मुश्किल का सामना करना है। नहीं नहीं ये देखे पानी पीछे से आ रहा है, ये एक ही जरिए सारी पैरियों को पानी जाना है। और हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इधर टरबाइन लगा के इसे बिजली अच्छा खासा पानी। सही सही, इधर आगे हमारे वो नहर भी है उस पर भी बंद लगाया जा सकता है, बिजली भी नहीं जा सकती है। यहाँ काफी मौके हैं हमारे गाँव की तरफ ना। ये आ गया जी सवारी आ गई है हमारी जिसपे लोगों ने नाम भी रखा होता है। ये जो आगे जानवर है ना प्यारा सा क्यूट सा, इसको लोग कहते हैं डोनल्ड। इसका नाम डोनल्ड है और ये इसकी ये रेडी अपनी लेके चलता है ठीक है। ये काफी खुश नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं जैसे कि इसके फेस से इसके फेस एक्सप्रेशन बड़े क्यूट है। हाउ आर यू डोनल्ड, डोनल्ड ये बेसिकली कहते हैं नाराज है डोनाल्ड ट्रंप भी गांव से। ये इसका लोग यहां इसको इसी नाम से पुकारते हैं माशाल्लाह, प्यारा ये क्यूट क्यूट। और ये इस इलाके का बादशाह, इसने काफी दो तीन रैलीज भी जीती है इस तरह की ना। सही सही, तो सही। ये काफी क्यूट है, ये इसको बड़ा ठंडा ये कूल रहता है, गुस्सा भी नहीं करता। लेकिन ये हमारे भाई जा रहे हैं हम वो दरख्त के पास। इस दरख्त की भी अपने अंदर एक बहुत बहुत मशहूर तरीक है ठीक है। ये दरख्त आज का नहीं है, ये सदियों 100 साल पुराना दरख्त है, ये ऑलमोस्ट उससे भी पुराना हो सकता है क्योंकि इसको ये तारीख बताने वाले जो लोग थे ना वो जिंदा ही नहीं बचे, वो लोग मर गए, कुछ लोग शहीद हो गए। असल में जो जंगे आज़ादी हुई थी ना उसमें इस दरख्त के नीचे बहुत सी लोगों ने लाशें लटकाई थी, इसके साथ लोगों ने फांसियां दी लोगों को ठीक है। ये दरख्त इसको खून का दरख्त कहते हैं। ये देखे ये भाई भी उधर से आते आते इस दरख्त पे कहते हैं साया है कोई,
ये दरख्त ये देख के लग रहा है कि इस पे साया कोई, इस दरख्त पे जो जाता है ना वो मुश्किल है कि वापस इसके पास से आए, लेकिन हमारे भाई अब आए हो है उसके पास से। देखिए अब ये जिंदा बचते हैं नहीं, आप भी देखिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप भी सीधे हो जाएंगे। मेरा तो इधर आना जाना मुझे इन रास्तों का ना बेखूबी अंदाजा है, लेकिन ये दरख्त की तारीख बहुत भयानक है। मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो गुतरों के बल चले। जी जी ये अब हम दरख्त से दूर जा रहे हैं और इसका आप देख सकते हैं कि ये नजारा काफी डरावना होता जा रहा है। आपको चीज बताऊं, एक सुरंग है इधर से, वो आप देख रहे होंगे, वो हाँ वो ये कब की है, ये तो पहले कभी हमने देखी नहीं, वो नजर आ रही है आपको, वो देख सकते हैं सुरंग ये इधर नीचे बनी है जी, यहाँ से लाहौर के शाही किले तक जाती है। अच्छा जब उधर से जंगे होती है तो लोग उधर से इधर से निकल आते हैं, उधर से नहीं इसके अंदर उन्होंने मुगलों ने उस दौर का रेलवे ट्रैक भी बनाया हुआ, इसके अंदर से रेलगाड़ी जाती है सीधी उधर निकलती है। आप इनको जगह का बता दें क्योंकि अगर किसी व्यूअर ने विजिट करना हो तो वो आ सकेगा। जी ये ना हमारे गांव के नजदीक का सठियारी, इस गांव के पास थोड़ा सा ये एरिया है, यहाँ पे लोगों ने ये सुरंग छुपाई हुई है, इसके ना दरख्त हैं चारों साइड पर, तो ये दरख्त की कटाई की है तो फिर ये साथ नजर आ रही है अब ये सुरंग, तो लोगों को बहुत इससे फायदा हो सकता है, आगे देखे अपने वीडियोज बनाए, लोग ब्लॉग्स बनाए, उनको काफी यहाँ से मशहूर हो सकते हैं, वायरल वीडियोस उनको मिल सकती हैं। और ये देखिए ये अब हम आ गए अपने इंजन पर, मतलब हमारे रिलेटिव्स का है। ये इस इंजन के बारे में क्या, ये देखिए इस पानी में खड़ा है ये इंजन, पानी में ये उसके ऊपर रखकर शूज इंजन है वो ये है ठीक है ना। और ये अब आने बंद हो चुके हैं, इसको हमारे खालू खुद ही वो ठीक कर देते हैं, माशा उनका काफी एक्सपीरियंस है इस चीज का। और ये वो पुलिया उनकी जिसपे वो बेल्ट लगाते हैं और इसको चलाते हैं। जी जी ये इधर है, ये टरबाइन इधर है, इंजन इधर है, यहाँ से वो कैसे चल जाता है, इधर बेल्ट लगता है। अच्छा इतना लंबा बेल्ट लगता है, और इसी चीज को हम खत्म करने के लिए इसको हम सोलर पे लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह, सोलर पे बैटरी लगेगा, वो बेल्ट की टेंशन ही इधर मोटर लगा देंगे साथ ही। जी जी लेकिन इस इंजन की भी तारीख बहुत पुरानी है, मैंने सुना है कि ये इंजन जब मतलब बहुत ज्यादा पानी देता है, बहुत ज्यादा नहीं इतना भी नहीं, नहीं नहीं इनसे ये एक ही इंजन से अपनी पूरी दो मरबे जमीन है उनको पानी देते हैं, तो ये माशाल्लाह काफी इनका इसके पीछे भी हिस्ट्री है, हर चीज में गांव में हर चीज के पीछे एक रहस्य छुपा होता है। ये देखे अब हम आपको दिखाने लगे यहाँ कुआं, ये कुएं में लोगों को सजाएं देने जाती थी, काले पानी की सजाएं इसी कुएं में लोगों को दी जाती थी ठीक है। बेसिकली ये मुगलों के दौर से भी पुराना कुआं है, तो अब हम इसके पास जा रहे हैं। ये देखें इसमें अब कोई नहीं रह चुका, अब इसको चलाया नहीं जाता, अब ये है कि जो भी लोगों ने किसी और इधर से वो गायब हो जाती है इसके, ये देख सकते हैं आप इसे, ये इसको जो लगी हुई है ये कोली टाइप, इनको डोलियां कहते हैं ठीक है। तो ये कुआं बहुत पुराना है, वो पास नलका लगा हुआ है, तो इसकी तारीख बहुत पुरानी है। और ये मेरा यही मशवरा है कि लोगों से जो अपने यूट्यूब वगैरह व्लॉग्स बनाते हैं वो ज़रूर इस जगह को विज़िट करें और अपनी वीडियोस बनाएं, क्योंकि ऐसा नज़ारा बहुत कम है कि किसी को मिले। ये हमारे भाई जो यूट्यूबर हैं ये अपने बाजू ऊपर करके बताना चाह रहे हैं व्यूवर्स को, स्टिल प्रोसेसिंग। ये देखें ये हमारे गाँव का सबसे खूबसूरत नज़ारा है, आगे आप देख सकते हैं इतनी खामोशी, इतना सकून, हरियाली ही हरियाली, पास दरख्त, ये परिंदों की आवाजें। इधर हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जो है वो होटल बनाए जाए, फरोग दिया जाए। ये देखे इधर जमीनें काफी हैं, ये देखे ना लोगों की जमीनें, इनको बाय किया जाए, गवर्नमेंट को चाहिए इधर होटल बनाए। वो देखे वो पास हमारी नजर, इसको जब हम बचपन में होते थे इसको चोई कहते थे, चोई एक नाम था, चोई कहते थे इसे जी। क्या यहाँ क्या चोते थे अगर आप, यहाँ जो तारीख बताती है यहाँ पे भैंसों का दूध चोया जाता था। नहीं मैंने तो देखा यहाँ पे लोग भैंसों के नहलाते भी हैं, नहलाते भी है, पहले चोते थे फिर नहलाना शुरू हो गए, तो काफी पुरानी तारीख है इसकी, क्योंकि मैं भी अभी 26 साल का तो मुझे भी इतना नहीं पता था। नहीं यहाँ पे हम खुद भी छोटे होते नहाते थे, ऊपर से वो पुलिस से छलांग लगानी, नीचे नहा के फिर ऊपर, ये बहुत मजा आता है। जो बता रहे थे अंकल है कि ये वो सामने गन्नों का है, यहाँ बहुत बहुत लंबे गन्ने देख सकते हैं आप माशाल्लाह। ये देखे साथ ये हमारे एक बना हुआ है छप्पर टाइप, पानी इकट्ठा हो गया हुआ इधर, यहाँ लोग कुछ नहीं लगाते क्योंकि ये जो पहली है ना ये जमीन से काफी नीचे है। जी जी जा रही है खालू को कॉल, जी ये खालू को कॉल करना स्टार्ट हो गए हैं, अब देखें उनका क्या रिस्पांस आता है, रिंग जा रही है, वो थोड़ा सा बिजनेस से अपने फ्री हुए होंगे।
लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी उठाएंगे, क्योंकि अभी भी उनको लग रहा होगा कि मैं ना उठाऊं, लोगों को यही लगे कि मैं बिजी हूं। जी अस्सलाम वालेकुम, थाली उन्होंने कॉल, देखते हैं बात उनकी। जी अंकल जी, क्या ठीक हो? आवाज बड़ी कट आ रही है। हेलो, मैं अपना गन्ना लेना सी इत्थों लिया वाला खूह ते। ये देखें, ये रास्ता आप देख सकते हैं, इतना खूबसूरत रास्ता आपने कभी नहीं देखा होगा। ये आप लोग जाते हैं सैरें करने, मरी एबटाबाद हर तरफ आप लोग जाते हैं जगह देखने। तो मेरी आप लोगों से यही है कि आप लोग इस इधर इलाके को भी आए। आप लोग समझते हैं कि उस इलाके में कुछ देखने के काबिल ही नहीं है। आप लोग दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में सोचते हैं कि जाएंगे आप सिंगापुर जाएंगे, कैनेडा जाएंगे, तुर्की जाएंगे, तो उन मुल्कों में कुछ नहीं रखा। ठीक है, पाकिस्तान के भी आपने काफ़ी इलाके किए होंगे तफरी के लिए, तो मैं आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग यहाँ आए। नेक्स्ट पार्ट दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा। बहुत शुक्रिया, अभी हमारे साथ ही रहिएगा। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पार्ट।